हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है मेरी टाटा अल्ट्रोज XZ ग्रे कलर, और आज मैं आपको इसकी लाइट्स का मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में गाड़ी की लाइट्स कैसी दिखती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी शाम है, रात हुई नहीं है, तो अभी मैं आपको खाली इसकी DRL का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए सामने इसकी जो DRL है वो LED DRL है। देखिए गाड़ी इन DRL में जब अप्रोच करती है तो बहुत ही शानदार बहुत लगती ही है। जबरदस्त लगती है DRL ये। तो सामने से देखो दोस्तों, गाड़ी का लुक बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब रात हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तब मैं आपको इसकी सारी लाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी बाहर से कैसी लगती है, पीछे से कैसी लगती है और अंदर से कैसी लगती है। तो दोस्तों देखिए, रात हो गई है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। तो अभी मैं आपको गाड़ी की बाकी की लाइट्स का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइट जलाइयो। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये है गाड़ी की लो बीम, जो इसके प्रोजेक्टर जो लैंप हैं वो इसके लो बीम में आते हैं। ये देखिए, सिर्फ प्रोजेक्टर जल रहे हैं अभी, और ये जो आगे का जो चैम्बर है ये चैम्बर अभी नहीं जल रहा है, और ये इसकी पार्किंग लाइट जल रही है। सेम ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे ये पार्किंग लाइट जल रही है, और ये जो है ये इसकी प्रोजेक्टर लैंप जल रही है जो कि लो बीम में है। ये दोस्तों बिल्कुल लो बीम है, अभी हाई बीम करियो, और ये अभी इसकी हाई बीम जल गई है। इसके अंदर डुअल चैम्बर हेडलाइट है। तो देखिए, अभी ये जो है ये लो बीम है, ये जो है ये हाई बीम है, और ये इसकी पार्किंग, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सेम दूसरी साइड, ये इसकी हाई बीम है। फॉग लैंप ऑन करना। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी फॉग लैंप ऑन हो गए हैं नीचे। इंडिकेटर जलाइए दोनों। ये देखिए दोस्तों, ये इसके हैजर्ड लैंप जल रहे हैं, ये आगे से और ये इसका साइड से। जलने दे, ये गाड़ी का पीछे से। ये एक्चुअली देखिए, ये जो पीछे की लाइट है ये स्मोक्ड आउट लाइट है, और बहुत ही शानदार लुक दे रही है। हालांकि ये हेलोजन है और इनके अंदर LED कहीं पे भी यूज नहीं की गई है। ये देखिए, ये साइड से और पीछे से देखिए दोस्तों, गाड़ी कितनी शानदार लग रही है। ये इसका जो है पीछे वाला जो फोग लैंप है वो ऑन है। ब्रेक दबाइयो। अभी देखिए, ब्रेक दबाने के बाद जो इसकी जो ये हाई माउंटेड स्टॉप लाइट है वो जल गई है। ब्रेक छोड़ दो। तो देखिए दोस्तों, रात को गाड़ी बाहर से कितनी गॉर्जियस लग रही है, कितनी शानदार लग रही है गाड़ी। हेड टर्नर डिज़ाइन है एक्चुअली, और लाइट्स भी इसकी बहुत ही शानदार हैं। लाइट्स में कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। हालांकि ये सारी की सारी लाइट्स जो हैलोजन है, लेकिन कहीं पे भी ये फील नहीं होता। बैक गियर लगाइयो। ये देखिए दोस्तों, बैक गियर के अंदर ये जो खाली इस साइड की जो लाइट है ये जलती है, इस साइड की लाइट नहीं जलती। ये एक जस्ट रिफ्लेक्टर है, और ये कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शायद उनकी ये वाली लाइट खराब हो गई है, बट नहीं, ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये टाटा ने यहाँ पे सिर्फ इसको एज ए रिफ्लेक्टर दिया है, एक्चुअल में लाइट सिर्फ यहीं पे है। तो चलिए मैं आपको एक बार गाड़ी चारों तरफ से दिखा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको गाड़ी अंदर से दिखा देता हूँ। ये अंदर मेरा बेटा बैठा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ड्राइवर साइड में जो पावर विंडो का स्विच है, अंदर से लाइट्स आपको गाड़ी के अंदर
ऐसी दिखाई देती हैं। ये एलईडी लाइट है, मैं इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है सारी सारी लाइट्स ये वाइट इल्यूमिनेटेड हैं। ये म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोल्स हैं, ये एसी के कंट्रोल्स हैं नीचे, और ये भी एसी के कंट्रोल्स हैं। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये सारे सारे वाइट इल्यूमिनेटेड हैं। और ये देखिए इसका डिजिटल हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ही शानदार लग रहा है। और सामने देखिए दोस्तों इसकी हेडलाइट्स का थ्रो, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, लो बीम हाई बीम। एक्चुअली दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कि इसकी हाई बीम और लो बीम के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन किया है। मैंने लो बीम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर दिया है इंजन कंपार्टमेंट में से, जिससे कि जो वो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी हद तक कवर हो गया है। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट उतना ज़्यादा नहीं बनता और गाड़ी रात में बिल्कुल अच्छे से चलती है। इसकी मैं आपको एम्बिएंट लाइट में दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और ये ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर देखिए, यहाँ पे भी ये इल्यूमिनेटेड है और बहुत ही गहरा ग्लव कंपार्टमेंट है, 15 लीटर का है। इसकी मैं आपको एम्बिएंट लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइट जो है वो ऑन हो गई है, बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों ये एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लाइट दिखती है, और इधर ये पैसेंजर बे में, और ये इधर ड्राइवर बे में आपको एम्बिएंट लाइट दिखती है। और ये जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इल्यूमिनेटेड है सारा का सारा। अंधेरे में आपको बटन को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसका फॉग लैंप के बटन है, आगे और पीछे दोनों के फॉग लैंप इसके अब ऑफ हो गए हैं। और चलिए मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, इसका बूट भी इल्यूमिनेटेड है। ये इसका बूट देखिए दोस्तों, और ये भी इल्यूमिनेटेड है, तो रात में अगर आप कोई सामान रखते हैं निकालते हैं तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था एक वीडियो गाड़ी की लाइट्स को लेके, गाड़ी रात में कैसी दिखती है। बहुत ही शानदार दिखती है दोस्तों गाड़ी, अंदर से भी बहुत अच्छी लगती है, बाहर से भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए जो इसकी एम्बिएंट लाइटिंग है गाड़ी के अंदर कितना ज़बरदस्त लुक दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।